मुख्य न्यायाधीश आदरणीय जस्टिस टी एस ठाकुर जी मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान सदानंद गौड़ जी सुश्री कुष्मित जी सभी उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री गण सभी आदरणीय जजीज प्रति वर्ष इस प्रकार के एक हमारी मीटिंग होती है इस बार काफ़ी विस्तृत एजेंडा के मुद्दे हैं मुझे बताया गया है कि दो दिन जजीज बड़े विस्तार से चर्चा की है काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए हैं और मुझे ये भी बताया गया कि बड़े कमिटमेंट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का हर तरफ़ से प्रयास हुआ है मैं इसके लिए आरद्य ठाकुर साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास हो रहे हैं पिछले दिनों भोपाल में एक रिट्रीट का कार्यक्रम हुआ जिसकी कल मैं ठाकुर साहब से सुन रहा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि लॉ पॉइंट के बाहर भी बहुत बड़ा देश होता है तो उसको भी जानना समझना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चल रहा है क्या चुनौतियां हैं क्या संभावनाएं हैं और देश के गणमान्य एक्सपर्ट्स को बुलाया था और सभी जजीज उनको सुन रहे थे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे मैं समझता हूं ये परंपरा अपने आप में है एक बहुत ही उत्तम परंपरा है हो सकता है शायद राज्यों में भी आगे चल कर के इस प्रकार का प्रयास हो तो शायद जो ठाकुर साहब ने बीच में हो रहा था कहते हैं कि लेकिन कई वर्षों तक तो बंद रहा था मैं समझता हूँ ये काफ़ी उपकारक होगा का इस प्रकार की चीज़ें जुड़ने से कई विषयों की यहाँ पर चर्चा होने वाली है इसलिए उसकी बहुत गहराई में मैं जाता नहीं हूँ लेकिन ये बात सही है कि भारत के सामान्य नागरिक को आज भी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है भरोसा क्या एक आस्था है श्रद्धा है और ये हमारे देश की बहुत बड़ी पूंजी है हम सबका दायित्व बनता है कि इस आस्था को हम बरकरार रखें उसको हम बनाए रखें ताकि कभी भी सामान्य मानवीय के जीवन में ऐसी स्थिति ना आए कब अब कहाँ जाऊं? एक जगह है जहाँ उसको विश्वास है कि मैं जा सकता हूँ और वो स्थिति बनाने में सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में कभी भी कोताही नहीं बरतेगी ठाकुर साहब ने सही कहा कि मैं इस लॉ की दुनिया का व्यक्ति नहीं रहा हूं नहीं ऐसा बैकग्राउंड रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जन्म कब हुआ क्या हुआ वो सारा विस्तार से मुझे आज उस ज्ञान का भी लाभ मिला और उनकी पीड़ा भी मैं समझ सकता हूं कि अगर 87 में जो बातें हुई आज 2016 में भी वो 87 से अब तक जरूर कुछ कारण रहे होंगे या ज़रूर कुछ मजबूरियां रही होगी मैं तो कभी उसकी डिटेल में गया नहीं हूं कि 87 में क्या हुआ था कैसे हुआ था लेकिन जब जगे तब सुबह आगे हम कुछ अच्छा करें पीछे का जो भी बोझ है उस बोझ को कम करते हुए हम आगे कैसे बढ़ें कई कारण होंगे और एक प्रमुख कारण का वर्णन भी ठाकुर साहब ने किया कि स्ट्रेंथ अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है लेकिन कुछ समाज जीवन में भी बदलाव आते हैं इस बदलाव अब हम हम लोगों को मालूम है कि एक जमाना था जब गांव के मैं एक वैदराज होता था और पूरा गांव स्वस्थ रहता था अब आज आँख का डॉक्टर हो गया कान का डॉक्टर अलग हो गया पैर का अलग हो गया हार्ट का अलग हो गया लेकिन बीमारी बढ़ती गई <laughs> तो ये समस्या समाज जीवन में कई प्रकार की आती होगी कैसी होगी ये हम सबको चिंतन का विषय है कि क्या कारण है इसके कि सरकार में भी मेरा ये मत है कि कानून बनाते समय जितनी चौकसी बरतनी चाहिए उतनी हमारे यहाँ उसमें कमी महसूस होती है ड्राफ्टिंग से लेकर के डिबेट से लेकर के कानून बनने तक और वो एक सबसे बड़ा कारण बना है कि कोर्ट में इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में चीजें जाती है अदरवाइज कानून जितना स्पष्ट हो कि कोई भी व्यक्ति निर्णय करे तो दुविधा कम रहे धीरे धीरे उस एफिशिएंसी की ओर जाना पड़ेगा दूसरा एक है कि हमारे यहाँ कानूनों का ढेर बहुत है मैंने आते ही एक काम शुरू किया है कि इन कानूनों के बोझ से कैसे मुक्ति दिलाई जाए सामान्य मानवीय को कानूनों की संख्या कैसे कम की जाए एक कमेटी बिठाई थी करीब 1500-1700 सौ ऐसे कानून ध्यान में आए हैं कि जो कभी 1800 साल के थे कभी 1850 के 80 के 90 के ऐसे ऐसे कानून अब वो कोई इरेलीवेंट हो चुके हैं तो ऐसा वरना क्या होता है जिसको कोई काम रोकना है तो 200 साल पुराने कानून दिखा देता है कि देखिए ऐसा कानून था इसलिए तुम्हारा ये नहीं होगा तो फिर वो कोर्ट में जाता है तो ऐसी चीज़ें व्यवस्थाओं में काफ़ी अड़चने कर रही हैं सफाई चल रही है धीरे धीरे मैं समझता हूँ जितना समय मुझे मिला है उस समय का भरपूर प्रयास हम करेंगे प्रक्रियाएं तेज़ गति से हो जल्दी हो और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास हो ये सब ने सबका काम है हम करते रहेंगे करना चाहिए भी और मैं तो चाहूँगा अगर ठाकुर साहब को सुविधा हो और शायद कोई संवैधानिक सीमाएं न कठिनाइयाँ पैदा करती हो तो कभी एकाद सरकार में से दो चार प्रमुख लोग और आपकी टीम के भी सभी लोग बैठ के कमरे में इन समस्याओं के समाधान के कंधे से कंधा मिला करके के कैसे रास्ते निकाले जाए तो हो सकता है कि कुछ क्योंकि आपने जो बातें बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उन महत्वपूर्ण बातों का रास्ता भी तो खोजना होगा सिर्फ मैं सुन करके चला जाऊंगा ये ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ मैं उसको सीरियसली लेकर ले के कुछ रास्ते खोजने के प्रयास करूँगा सफलता असफलता तो अलग बात है लेकिन कोशिश करनी चाहिए मैं कोशिश करना चाहूँगा और मुझे विश्वास कि आप जैसे अनुभवी लोगों का साथ मिला तो मैं मैं तो इस फील्ड का हूँ नहीं है ये मेरा लाभ भी है और मेरा नुकसान भी है <laughs> तो मुझे अगर आप लोगों की मदद मिलेगी तो हम जरूर इसका रास्ता निकालेंगे मुझे याद है मैं पंद्रह साल तक इस मीटिंग में आया हूँ और अब हमेशा सामने बैठता था और बाद में जब ऊपर बैठते थे तो कैमरा वगैरह रहते नहीं थे तो जरा खुल करके बात भी करता था मैं और मैंने एक बार कह दिया था कि साहब कोर्ट का समय बढ़ाएं तो कैसा रहे वैकेशन कम करें तो कैसा रहे और पता नहीं मेरे पर ऐसी आफत आ गई थी उसके बाद लंच था तो लंच में कई जजीज़ ने मुझे पकड़ा क्या समझ दो अपने आप को तो मैं तो उसी दिन से डर गया था जी लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जिसके पास जो जिम्मेवारी है सब लोग ईमानदारी से निष्ठा से देश के गरीब आदमी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ये विश्वास हम सबको होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश की जुडिशरी उस दिशा में सक्रिय है सजग है मुझे पूरा भरोसा है और हम सबको भरोसा रहेगा तो देश की समस्याओं का समाधान भी होगा और हम मिल बैठ कर के समाधान निकालेंगे भी मेरा विश्वास है मैं फिर एक बार सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों ने इन सारी बातों को सुना है वे भी उतनी ही जिम्मेवारी के साथ अपनी सरकारें चलाते हैं क्योंकि उनको भी जनता जनार को जवाब देना होता है और हर पाँच साल में एक बार देना पड़ता है और अब तक तो बार बार चुनाव आते हैं इसलिए तो किसी न किसी रूप में साल पाँच साल में तीन तीन बार तो जाना ही पड़ता है क्योंकि इस दिनों ये चर्चा चल रही है सभी दल मुझे कह रहे हैं कि साहब ये चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ कैसे हो हर प्रकार से क्योंकि, क्योंकि काफी समय उसमें जा रहा है कई चीज़ें निर्णय में चालीस चालीस पचास पचास दिन इसलिए रुक जाती है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और देश में कोई न कोई इस जगह होती है जहां कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो इन दिनों मुझे विपक्ष के सर भी लीडर्स मिले थे वो भी कह रहे थे साहब कुछ रास्ता निकालिए कि असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनाव साथ साथ हो ताकि बाकी कुछ काम हो तो है कुछ कठिनाइयाँ उन सारे चीज़ों का रास्ता निकालना होगा मिल बैठ कर के निकालना होगा और मुझे मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे आज यहाँ से झारखंड जाने के लिए निकलना है लेकिन फिर भी मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ और आज दिन भर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उसमें कुछ न कुछ बातें निकलेगी